हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जो नीट पीजी का पेपर 21 मई के लिए फाइनल हो गया था, उसके अगेंस्ट मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला गया है। द ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन हैज फिल्ड अ पिटीशन टू सुप्रीम कोर्ट टू पोस्टपोन द नीट पीजी, ठीक है, 2022 एग्जाम शेड्यूल ऑन मई 21 सीटिंग क्लास विद ऑन गोइंग काउंसलिंग फॉर नीट पी जी 2021 ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन वी हैव मूव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द शेड्यूल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये 21 मई को था, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हैं। ठीक है, द एसोसिएशन रेज ओन ग्रीवेंस ड्यू टू मिसमैच क्लासिंग ऑफ द डेट ऑन गोइंग काउंसलिंग ऑफ नीट पी जी 2021। एडवोकेट संदीप तिवारी द लवर ऑफ अदर एम्सा सेज इन ट्विटर। ये देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन वी हैव मूव सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया अगेंस्ट शेड्यूल एग्जामिनेशन ऑफ नीट पी जी 2022 डेटेड 21 मई 2022। द एस्पिरेंट रेज ओन ग्रीवेंस ड्यू टू द मिसमैच क्लासिंग ऑफ डेट इन ऑन गोइंग काउंसलिंग फॉर नीट पी जी 2021। देखिए, तो ये है, और ये आपको न्यूज़ में निकल के आई थी कि 21 मई को ही नीट पीजी का पेपर होगा, लेकिन दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दी गई है, और देखिए अब क्या होता है। और वैसे ही बच्चे डिमांड कर रहे हैं नीट यूजी के लिए कि पेपर जो है डिले हो जाए। इनका वैसे ऑलरेडी जुलाई में है, ऑलरेडी डिले है 2 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल चांस नहीं लग रहा कि नीट यूजी का डिले होगा, बिल्कुल ये नहीं। आप लोग तैयारी करते रहिए, आपका पेपर टाइम से ही होगा और 17 जुलाई को ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इस पर क्या डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तब तक के लिए, नए चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।